दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 6 जनवरी 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं, 10:05 हो चुके हैं रात के, और मैं पहुंच गया हूँ डीपीएस स्कूल के पास द्वारका सेक्टर 3 में। और अभी मैं आ रहा हूँ खाली आपका जनकपुरी से, और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था जनकपुरी में। दोस्तों लास्ट ड्रॉप में हो गई बहुत गंदी वाली बसोड़ी। एक्चुअली हुआ ये कि जो राइडर था टैगोर गार्डन से मेरे पास पिकअप आया था, तो एक तो आपको तो पता ही है राइडर्स मतलब चाहे हर जगह अपना टाइम स्पेंड कर देंगे, बट गाड़ी में बैठने पर उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी एक हवाई जहाज है और फटाक से उड़े और फटाक से उनकी लोकेशन पे पहुंचा दे। आई बंदी को कॉल मैंने किया, ठीक है, जबकि अगर आपको जल्दी है तो आपको पिकअप पॉइंट पे तुरंत मिलना चाहिए। कॉल मैंने किया, कॉल करके बताया, तो दो चार मिनट में आ गई थी, मतलब 5 मिनट के अंदर आ गई थी बंदी। आई आते ही भैया गाड़ी को बस रेल बना दो, बैठते ही मैं लेट हो रही हूँ, मेरे ये हो, गाड़ी को बस भगा लो भैया। मैं कहा जी ऐसा है, गाड़ी अपनी स्पीड पे चलेगी, गाड़ी जहां हो सकता है खाली दिखेगा वहां मतलब कोशिश कर लूंगा, बट आप कहो कि भगा लो, ये कर लो, वो पॉसिबल नहीं है मैडम, क्योंकि ऑलरेडी अब दिल्ली में हर जगह कैमरे लग चुके हैं, ठीक है। तो कह रही नहीं भैया वो तो पुराने कैमरे हैं। मैंने कहा पुराने क्या, अब नए भी कैमरे इंस्टॉल हो गए मैडम, आपको नहीं पता हर जगह HD कैमरे लग चुके हैं। तो कहती भैया कोशिश कर लेना। मैंने कहा हाँ कोशिश कर। टैगोर गार्डन की बत्ती पे आया, बत्ती पे जाम लगा है। अब टैगोर गार्डन की रेड लाइट पे आपको पता ही है कैमरे लगे होते हैं, तो मेरे को पहले बोलती नहीं, कहती भैया यहाँ से लेफ्ट लेके फिर यूटर्न लेके ऐसे निकाल लो। मैं कहा जी ट्रैफिक में से कहाँ निकालू, आगे गाड़ी खड़ी है। कह रही आप तो इतना स्लो चला रहे हो। मैंने कहा स्लो मैम, जहां जगह होगी तभी तो चलाऊंगा। मैंने कहा मैं कहाँ से उड़ा के ले जाऊं क्या गाड़ी को, या गाड़ी में किसी में अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप जिम्मेदार रहोगे या मेरा चलान हो गया है। कहती कम से कम आप स्पीड में तो चलाओ, आप जितनी स्पीड में, अरे 50 की स्पीड होती है, मैं 70 पे गाड़ी भगा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या चलाऊंगा। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा मैडम अगर जल्दी ज्यादा जल्दी है तो आप राइड को यहीं पे स्टॉप कर दो, कोई दूसरी कैब कर लो। कह रही आप मेरे को धमकी दे रहे हो। मैं कहा जी मैं तो धमकी नहीं दे रहा, बट मैं तो आपको अपना वो बता रहा हूँ। मैंने कहा अगर आपको जल्दी है, मैंने कहा आप ये बताइए, मैं अपने पिकअप पे आपने टैक्सी बुक करी, मैं जितना टाइम बताया उतने फटाफट आपकी लोकेशन में पहुंचाओ। अब मेरी गलती तो है नहीं, आप लेट हो रहे हो, आप अपनी वजह से लेट हो रहे हो ना। तो मैंने फिर ज्यादा बहस नहीं करी, मैं शांत हो गया, क्योंकि एक तो लेडीज होती है, लेडीज पैसेंजर से आपको पता है कि 10 तरीके के वो हो जाते हैं, मतलब आप कुछ बोलोगे वो उल्टा आप ही के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा देगी, फिर उससे फिर आपका ही वो नेगेटिव वो हो जाता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको छोड़ देता हूँ, प्यार से आराम से छोड़ता हूँ। जनकपुरी पे छोड़ा मैंने, और जनकपुरी पे भी जहां पर उसका घर वहां पर सैटरडे मार्केट लगे। अब मेरा दिमाग वैसे ही खराब हुआ, मैंने कहा यार कहीं ये सैटरडे मार्केट के अंदर ना घुसा दे कि भैया अंदर ही ले चलो गाड़ी। मैंने कहा अगर ये होगी तो फिर तो हो जाएगी तगड़ी वाली बहस। वो तो अच्छा हुआ कि उसने अंदर नहीं बोला और बाहर मेन रोड पे उतरी। उसका जब उतरी उसके बाद मैंने उसको रेटिंग करी, और सबसे पहले उबर सपोर्ट में मैंने अपना फीडबैक डाला, मेल करी मैंने लिख दिया भाई ऐसे ऐसे ये बंदी इस तरीके से कर रही थी, डेंजरस ड्राइविंग के लिए फोर्स कर रही थी मुझे बार बार, ठीक है, और मिसबिहेव भी कर रही थी, एक तरीके से धमकी सी दे रही थी और कंप्लेंट करने की बात कर रही थी। तो मैंने ये सारी चीजें मतलब लिखी, तो उबर की तरफ से मेरे को मतलब कॉल भी आ गया था, तो मैंने बता दिया सारी चीजें उनको कि, क्योंकि देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको अगर आपके साथ मेरी जगह कोई और भी ड्राइवर भाई है, अगर ऐसी कोई चीज होती है तो सबसे पहले आपको उबर में सूचित करना है, अपने डिवाइस को बंद कर दो, राइड कोई आ गई है तो उसको रोक लो 5-10 मिनट, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है उबर के कस्टमर सपोर्ट में, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट में नहीं कर सकते आप मतलब जानते हो मैसेज वगैरह लिखना, अगर नहीं लिखना जानते तो आप कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके बता दो तुरंत, या फिर आप अपनी तरफ से रेटिंग उसको रेटिंग अपने हिसाब से दीजिए, और अपने हेल्प सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिए राइडर्स के खिलाफ, भाई राइडर ऐसे ऐसे कर रहा था। तो आप देखिए सबसे पहले आपकी कंप्लेंट पहुंचेगी तो राइडर को मतलब उबर को भी लगेगा कि हाँ ड्राइवर के साथ ऐसी वारदात हुई है। अब आप छोड़ दोगे और राइडर कर दे कंप्लेंट उल्टी, तो फिर वो मतलब
वो हो जाता है कि आपने कुछ नहीं किया और उन्होंने कंप्लेंट कर दी, फिर आपके एक वार्निंग मैसेज दे दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी भी ट्रिप में आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको उबर को सूचित करना है। उबर देखिए इस मामले में मेरी ख्याल से वो ड्राइवर की भी फेवर में रहता है और राइडर के भी रहता है, बट दोनों का वो देखता है, प्रोफाइल चेक होती है दोस्तों। मतलब एज पर जो मैसेज आता है उसमें यही देखी जाती है, प्रोफाइल चेक होती है कि इसने कितनी बार ऐसे किया है। तो हो सकता है इसने जिस हिसाब से उस बंदी का लड़की क्या बोले यार उसको, मैं मतलब गुस्सा बहुत आ रहा था जिस हिसाब से वो मेरे से बात कर रही थी, क्योंकि एक पेशेंस की लिमिट भी होती है। मतलब जिस हिसाब से वो बात कर रही थी ना, तो मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं फैल जाता। तो हमें तो दोस्तों फैमिली वाले बंदे हैं तो हमें पेशेंस रख के चलना पड़ता है, क्योंकि हमें भी आगे का भी सोचना है। अगर हम बिगड़ जाएंगे तो फिर बात ज्यादा ही बढ़ जाएगी। तो दो मिनट के लिए अगर पेशेंस रख लें वो बेटर है ऐसे राइडर्स से निपटने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ कभी सीन होता है तो ऐसे फटाफट उबर को सूचित करो, ऐसे ऐसी कंप्लेंट हुई है। तो अगर वो राइडर करेगा आपकी कंप्लेंट तो उबर के पास भी रिकॉर्ड में होगा कि हाँ ड्राइवर की तरफ से भी हुआ है, और एक्चुअल में उसका राइडर का प्रोफाइल चेक होगा किसने ऐसे ऐसे किस किस ड्राइवर के साथ किया। तो मैंने मेल में बकायदा मैसेज में लिख दिया था कि भाई इसके खिलाफ एक्शन लो, इन फ्यूचर किसी और ड्राइवर भाई के साथ ऐसा ना हो, पता लगे फिर किसी और के गले पड़ जाए। तो दोस्तों आज ये तो देखिए अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इससे आप ही को हेल्प मिलेगी और भी भाइयों को हेल्प मिलेगी, और वो थोड़े से सचेत रहेंगे कि रोड पे किस किस टाइप के राइडर्स मिलते हैं दोस्तों, तो उनको हैंडल किस तरीके से करना पड़ता है। बस हमें पेशेंस रख के चलना पड़ता है। आपने जहाँ पेशेंस रख लिया वहां आप सफल हो गए, जहां आपने पेशेंस बिगड़ गया वहां आपका बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है। तो दोस्तों आज आपको ब्लॉग मिल ही गया होगा शाम को मेरा, आज मैंने 4 बजे एक बनाया था, कल ब्लॉग बना नहीं पाया था, तो आपको एक जानकारी मैंने अपडेट के थ्रू दी थी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों ओला उबर के बारे में ही, और जैसा कि आप जानते हो मैं मॉर्निंग में निकला था 5 बजे, तो आज की पूरी मैंने हिस्ट्री सुबह आज के शाम के ब्लॉग में मैंने बता दी थी, 5 बजे निकल के क्या क्या हुआ था वो सब चीजें मैंने बताई। बट अभी हम बात करेंगे ओला उबर के ऊपर ही, और मोस्टली उबर के ऊपर ही दोस्तों। काफी ड्राइवर भाई ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं, मोस्टली उबर में भी चलाते हैं, उबर में ज्यादा दिल्ली में डिमांड है। ओला में पहले हुआ करता था, ओला में ज्यादा डिमांड रहती थी, अब ओला बिल्कुल डाउन हो गया है, अब उबर में डिमांड अच्छी है। तो उस हिसाब से देखिए दोस्तों जो भी भाई नई गाड़ी लाता है या पुराने बंदे हैं, हर कोई किसी के मन में यही होता है कि यार मुझे उबर का ऐसा रेट मिल जाए कि मतलब फटाक से काम हो जाए मेरा। तो सब लोग यही सोचते हैं कि मतलब अच्छे रेट की बुकिंग्स मिले हमें, और इसी चक्कर में हम सुबह भी निकलते हैं। देखिए मैं सुबह निकलता हूँ, सुबह इसीलिए निकलता हूँ कि अच्छे रेटों की बुकिंग मिले हमें। तो अब क्या टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग क्या है उबर का, जिस टाइम वो रेट हमें अच्छे दे रहा है। दोस्तों मेरा मैं अपना पूरा मतलब देखिए मैं सुबह 5 बजे से चला रहा हूँ, अभी 10 बजे तक हो गया, कितने घंटे हो गए, 5 से 5 12 6 7 8 9 10 5 घंटे और 12 और 5 17 घंटे मैंने काम किया। तो 17 घंटे आप समझ लीजिए 17 घंटे में क्या हाल हुआ होगा। तो 17 घंटे में गाड़ी चली है जिसमें 1.5 घंटा 2 घंटा मैंने रेस्ट भी किया है, मतलब मान के चलिए 15 घंटे काम किया है। तो रोड पे तो रहा हूँ 17 ही घंटे। तो 17 घंटे हम करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कोई ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाती। बट काफी ड्राइवर भाई है ना शॉर्टकट आजमाने की सोचते हैं, शॉर्टकट में ये सोचते हैं कि यार ऐसा बेस्ट टाइमिंग हो कि हमें उबर में मतलब अच्छे रेटों की बुकिंग मिल जाए और फटाफट, इसीलिए काफी भाई नाइट में निकलते हैं, कुछ दिन में निकलते हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले बताया था दोस्तों, अगर आपको काम करना है तो सुबह ही निकलिए, बेस्ट टाइमिंग होता है। बाकी मैं उबर का एक टाइमिंग बता देता हूँ, उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था बट काफी भाइयों को नहीं पता, तो अभी मैं बता देता हूँ। उबर का जो देखिए सुबह का जो रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप चाहे सुबह ऑफिस टाइम में निकले, कोई खास रेट नहीं देता, 1.1 1.2 कभी कभार किसी राइड में मिल जाता है, अदरवाइज सेम नॉर्मल ही रेट चल रहा है। और दिन में तो ये 9 रुपए तक ले आता है रेट को अभी फिलहाल, और उसके बाद एक्चुअल में जो इसका पीक टाइमिंग है, देखिए पहले मैंने टाइमिंग पहले एक बार शेयर किया था आपसे, तब सभी भाइयों ने कैच कर लिया था, उसके बाद फिर उबर ने इसको चेंज कर दिया था। तो अभी टाइमिंग मैं दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों, 5:30 बजे से लेकर
मतलब कभी 5 बजे भी शुरू हो जाता है, कभी मोस्टली मतलब आप 5 बजे के बाद की राइड लेंगे और 8 बजे के बीच तक का, इस दौरान अगर आप राइड्स करते हैं तो आपको जो रेट्स मिलेगा वो जो नॉर्मल किलोमीटर में मिलता है, जैसे आप 20 किलोमीटर में ये दे रहा है 180 रुपये, 190 रुपये, वहीं 20 किलोमीटर में आपको डबल रेट मिलेगा, 410 रुपये, 412 रुपये ऐसे मिलेंगे। 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको 200 से लेकर 250 रुपये तक के ये देता है। बट इसमें देखिए, अगर आप छोटी छोटी राइड लेंगे तो उसमें आपका काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, जितने आप बड़ी लोगे लॉन्ग उसमें, तो उसमें थोड़ा सा अर्निंग कम हो जाती है, तो छोटी राइड में आपको बेनिफिट है। तो कोशिश यही करो शाम के टाइम 5 बजे के बाद, अगर 5 से पहले आप खड़े हो खाली तो डिवाइस बंद कर दो 10-15 मिनट, 5 बजे के बाद ओपन करो, उसके बाद क्या है 2-4 घंटे आपकी अर्निंग पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा और आप इस दौरान में 1000 से लेकर 1200 रुपए तक अर्न कर सकते हो। ये मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी करता हूँ इस टाइम में, मतलब जब होता है। तो दोस्तों देखिए, एक छोटी से छोटी एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ जो भी भाई की अर्निंग में हेल्प करे, क्योंकि काफी भाई बहुत मेहनत करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बट उनको उस हिसाब से उनका अर्निंग का पैसा नहीं मिल पाता। तो इसलिए एक ऐसा टाइमिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई और भाई, कोई और यूट्यूबर आई थिंक किसी ने बताया नहीं होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट टाइमिंग ये है। इस दौरान आप चलाओ तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। बाकी कोशिश यही करो दोस्तों, सुबह निकलो, शेड्यूल से चलोगे तो आपका अर्निंग शाम को जब आप एंड करोगे ना तो थोड़ा सा फिगर अच्छा दिखेगा, तो दिल को तसल्ली होती है, हाँ यार काम किया है। तो कोई नहीं दोस्तों, आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मैंने काम कितना कर दिया है, ज्यादा कुछ नहीं किया, पर 17 घंटे में कितना काम होता है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 3044 रुपये का मेरा काम है आज का, और इसमें 2 टोल है, एक मैं हरियाणा गया था, हरियाणा में आज पास कटवाया एमसीडी का, और एक वापसी आया, तो 100 रुपये स्टेट टैक्स मिल जाएगा, 100 रुपये एमसीडी मिल गया मेरे को, तो 200 रुपये का टोल है, 3044 रुपये का काम है मेरा। तो इसको साइड में रखते हैं टोल को, बात कर लेते हैं सीएनजी की, कितने की डलवाई थी मैंने, 358 रुपये की सुबह डलवाई थी, और उसमें ऑलरेडी 2 पॉइंट मेरे पहले के पड़े थे, और 473 रुपये की मैंने बाद में डलवाई, तो टोटल मतलब 800 रुपये की सीएनजी मैंने डलवा ली थी, 200 रुपये की ऑलरेडी पहले की थी, तो तकरीबन आप मान के चलिए वो 200 की सीएनजी अभी मेरे पास रिजर्व है, 800 की सीएनजी मेरे पास जो है पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, तो 800 रुपये की सीएनजी लगी है, 3044 रुपये का काम है, तो 800 की सीएनजी को हटा लेंगे, बचेंगे 2200 रुपये, 2200 रुपये में से निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल, 300 रुपये निकालेंगे इसमें से हम इस चीज के, तो 300 रुपये 2200 रुपये में से निकालेंगे, बचेंगे कितने 1900 रुपये, तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1900 रुपये की। आज इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, आपकी नई गाड़ी होगी तो 700 रुपये उसमें से भी निकलेंगे, 1900 में से 700 निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे बताइए, 1200 बचेंगे, तो 1200 में फिर आपने अगर ड्राइवर हायर किया हुआ है, या आप खुद भी समझ लीजिए आप भी ड्राइवर ही हो, आप अपना खर्चा तो निकालोगे 500-600 रुपये भाई डेली की, या छोड़ो कोई नहीं ड्राइवर हायर किया तो 600 रुपये तो निकालोगे, तो 1200 में से 600 निकल गए, तो आए कितने हाथ दोस्तों 600 रुपये, तो 600, 1000, 1500 बस यही फिगर है। 17 घंटे आपको ड्राइव करनी है तब जाके, अगर आपने नई गाड़ी ली है, मेरी गाड़ी फ्री है तो मैं इतना कर पाता हूँ, बट आज की है दोस्तों 17 घंटे दिए रोड पे तब जाके ये हालत इस हाल पे आया हूँ, 17 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, हालत खराब हो जाती है, अगर मैं कंटिन्यू करने लग गया ना इस टाइम तो ये बैक मेरी बोल जाएगी जल्दी, तो इसीलिए कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से सुबह जल्दी निकलो, अच्छे रेटों की बुकिंग मिले, बट नहीं मिल पाती दोस्तों, बहुत ज्यादा टफ हो चुका है काम, तो इसलिए इस लाइन में आने की अगर सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आना, ठीक है, सच्चाई कोई नहीं बताता, सब हवा में बातें करते हैं, इतने हजार का काम उतने हजार का काम, बट जो एक्चुअल में काम होता है काट पीट के कितना हाथ में आता है वो आपको सिर्फ मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना, और आपके कुछ भी कमेंट्स है तो कमेंट्स जरूर करिए दोस्तों, कमेंट्स करेंगे, आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप वहां रखिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए वहां पर रख लीजिए अपने क्वेश्चन, कमेंट जरूर करिए, और कुछ भी अपडेट आप देना चाह रहे हो कि भाई महेश भाई ये चीज हुई है, आपके साथ कुछ हुआ है, तो आप मुझे शेयर करिए, मैं आपकी बातों को आगे रखूंगा
और ड्राइवर भाइयों के पास पहुंचाऊंगा, ओला उबर में क्या क्या अपडेट आता है, क्या क्या नहीं आता, कैसे कंपनी क्या कर रही है ड्राइवर के साथ, क्या नहीं कर रही, कुछ अच्छा कर रही है, कुछ बुरा कर रही है, ये सारी की सारी चीजें मैं अपनी वीडियो में पूरी खोल के बताता हूँ, और सारी चीजें जिससे ड्राइवर भाइयों को हेल्प मिलती है और उनको ड्राइविंग में भी हेल्प मिलती है और आने वाले खतरे से भी वाकिफ कराता हूँ कि ये चीज होती है तो उससे आप सेफ साइड रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।